जय जगन्नाथ बंधुगण, आज आम जाना 29 मई 2021 शनिवार दिन द्वादश राशि राशिफल विषय दैनिक राशिफल चंद्र को गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्र को गोचर गणना आम जीवन रे बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आज तिथि और राशि नक्षत्र विषय। आज हूँ 29 मई 2021 शनिवार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष तृतीया प्रातः 6:34 गति चतुर्थी क्षय आज पूर्वाषाढ़ नक्षत्र संध्या 6:35 गति उत्तराषाढ़ नक्षत्र आज धनुचंद्र रात्र 12:11 गति मकर चंद्र आज पर्वोत्सव शरण पंचकारंभ आज शुभ बेला दिवा 10:05 रु 12:10 दिवा 3:02 रु 3:42 मिनिट पर्यंत आज राहु काल दिवा 8:26 रु 10:05 पर्यंत आज सूर्योदय प्रातः 5:07 आज सूर्यास्त संध्या 6:20 आज तुला और कुंभ राशि घात चंद्र एवं वृष सिंह और कन्या राशि घात बार आज मूला खाइबा निषिद्ध। आज नवजात शिशुर धनुराशि रात्र 12:11 गति मकर राशि। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आज द्वादश राशि राशिफल विषय। ता पूर्वरु आम चैनल को जो मैंने नुआ करी आसछंती तले थिवा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबे आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु ओ पाखरे थिवा घंटी बटन को दबे ऑल रे सिलेक्ट करंतु काहेकि ना आमे अपलोड करी थिवा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। आपणक नवम भाव चंद्रदेव को गोचर आपणक भाग्यवर्धक रहिब। कौनसी समाज कल्याणकारी कार्यरे आपणक सहभागिता बढ़िब। रोजगार क्षेत्र रे सफलता प्राप्त करिबे। आपणक पराक्रम तथा कर्मठ स्वभावर प्रशंसा हेब। कला तथा मनोरंजन क्षेत्र संबंधित व्यक्ति ख्यातिर विस्तार हेब। विद्यार्थी मानंकु बंधु मित्र सहयोग मिलिब एवं विदेशरु किछि शुभ समाचार मिलिबारु मन प्रसन्न रहिब। बड़ भाई विषय सोहजो आपणक उन्नतिर कारण हेब एवं परिवारर सुख समृद्धि पाई आपण खर्च करिबे। जीवन साथी संपर्क मधुरता आसिब। माता पक्षरु समस्त प्रकार सहयोग प्राप्त करिबे। प्रेम जीवन रे मध्य नवीन संबंध स्थापित हेब एवं आर्थिक स्थिति रे सुधार हेब। आकस्मिक धनलाभर मध्य जोग रहिछि। शेयर मार्केट बा लॉटरी आदि क्षेत्र रे आपण लाभान्वित हेबे किंतु स्वास्थ्य अवस्थार विशेष ध्यान रखंतु। विशेष रूप से हृदय संबंधित रोगी स्वास्थ्य अवस्थार जत्न नियंतु। आज आपण गोपाल सहस्त्र नामर पाठ करंतु शुभफल पाइबे। वृष राशि आज आपणक राशि स्थानरु अष्टम भाव चंद्रदेव को गोचर कारण आपण को आकस्मिक किसी समस्या रा सामना करिबा को पड़िबो। कार्यर अधिकता बा असामंजस्य स्थिति मानसिक चिंतार कारण हेब। विद्यार्थी छात्र छात्री मानंकु निज लक्ष्य प्राप्त करिबा पाई अधिक संघर्ष करिबा को पड़िबो एवं भाई भौनिंक संपर्क रे मनमालिन्यर स्थिति देखा देई पारे। जीवन साथीक सोहजो आपणक पाई सहायक हेब किंतु परिवारर कौनसी सदस्यक सहित छोटिया कथारु मतभेदर संभावना रहिछि। दैनिक दिनचर्यारे मध्य व्यवधान देखा देई पारे। प्रेम जीवन रे परस्परर भावना को सम्मान करिबा द्वारा संपर्क रे घनिष्ठता आसिब। व्यवसायिक तथा राजकीय कर भली खर्च आपणक आर्थिक संतुलन खराब करिब सेथिपई अनावश्यक आर्थिक देवानेबारु दूरे रहंतु। रोग विष एवं शत्रु ठारु सावधान रहंतु तथा स्वास्थ्य अवस्थार विशेष ध्यान रखंतु। आज आपण महामृत्युंजय मंत्रर पाठ करंतु शुभफल पाइबे। मिथुन राशि आपणक राशि स्थानरु सप्तम भावरे चंद्रदेव को गोचर कारणरु आपणक कार्यक्षेत्र रे
କୌଣସି ମହିଳା ସହଭାଗୀଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ଅବରୋଧ ଦୂର ହେବ। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର, ଓକିଲାତି ତଥା ଜନସମ୍ପର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କୌଣସି ନୂଆ ଉଦ୍ୟମ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଉପଯୁକ୍ତ ରହିଛି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନୂଆ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟାପାରରେ ଲାଭ ମିଳିବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ସନ୍ତାନ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ମାତା ପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତଥା ମାର୍ଗଦର୍ଶନରୁ ଆପଣ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଭାଗିଦାରୀରେ କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟବସାୟରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦୈନିକ ରୋଜଗାରରେ ଅତିରିକ୍ତ ଆୟର ନୂଆ ସ୍ରୋତ ବିକଶିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ତ୍ୱଚା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅତଃ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିୟମ ତଥା ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। କର୍କଟ ରାଶି ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଗୋଚର ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବ। ଆପଣ ନିଜ ସଂଘର୍ଷ ଶକ୍ତି ବଳରେ ନିଜ ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଠାରୁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହଭାଗିତା ବଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅପଯଶର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମାତୃଳ ଘର ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ମିଳିବ। ଗୃହର ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବେ ତଥା ପରିବାରରେ ହସଖୁସି ଓ ସୁଖଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରଗତି ହେବ ଏବଂ ନଗଦ ଧନ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଧାର ହେବ, କିନ୍ତୁ ଧନର ଅପବ୍ୟୟରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଉଦର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ ମାନସିକ ରୂପରେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ବା ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତିବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ସିଂହ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅବରୋଧକୁ ଦୂର କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକର ବିକାଶ ହେବ। ସୃଜନାତ୍ମକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଫଳଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶାସକୀୟ କ୍ଷମତାର ବିକାଶ ହେବ। ଅଧିକାରୀ ବର୍ଗରୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ ଏବଂ ସମାଜ ସେବାରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଶ ଓ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆପଣ ପାରିବାରିକ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ବ୍ୟୟ କରିପାରନ୍ତି। ଗୃହର ଛୋଟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସୁଖଦ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ନିଜ ସମ୍ପର୍କର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ବାଦବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ପୁରୁଣା ମହିଳା ମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିବ। ସେୟାର ମାର୍କେଟ ତଥା ଲଟେରୀ ଆଦିରେ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଗତି ହେବାରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। କନ୍ୟା ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ରାଜକୀୟ ସେବାରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଧିକ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ସାମାନ୍ୟ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରିବାରରେ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତାଜନକ ବାତାବରଣ ରହିବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ମାତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ବିଷୟରେ ମନମାଳିନ୍ୟର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ମାନସିକ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଓ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ମଧୁର କ୍ଷଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଅନୁସନ୍ଧାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ
विशेष लाभ मिलिब, किंतु व्यापारिक देवानेबारे सावधान रहंतु। आर्थिक स्थिति सामान्य रहिचि, सेतिपई असुरक्षित निवेशरु दूरे रहंतु। स्वास्थ्य अवस्था रे किछि उच्च नीचर संभावना रहिचि। आज आपण सूर्यदेव को जल अर्पण करंतु, शुभफल पाइबे। तुला राशि, आपणक तृतीय भाव रे चंद्रदेव को गोचर आपणक साहस तथा धैर्य रे वृद्धि करिब। सामाजिक कार्य रे आपणक योगदान रो प्रशंसा हेब। रोजगार क्षेत्र रे आपण समस्त कार्य को निज अनुभव द्वारा सफलता पूर्वक संपन्न करिबे। व्यवसायी वर्गक पई एही समय नुआ योजना को क्रियान्वित करिवार उत्तम समय। राजनीति संबंध व्यक्ति को मित्र तथा सहयोगीक समर्थन प्राप्ति हेब। विद्यार्थी छात्र छात्री मानंकु संचार माध्यम रे कोनोसी सुखद समाचार प्राप्ति हेब एवं भाई भौनीक संपर्क रे सुधार आसीब। परिवार रे आपणक मान सम्मान वृद्धि पाइब। कार्य व्यस्तता मध्यरे जीवन साथी तथा संतानक पई समय बाहर करि परिबे, सेथिपई मनरे प्रसन्नता अनुभव करिबे। संगीत तथा लेखन कार्य जड़ित व्यक्ति को आर्थिक लाभ मिलिब एवं भविष्यत पई किछि संचित योजना रे निवेश करिबे। व्यवसाय रे लाभर स्थिति निर्माण हेब, किंतु स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहिचि। आज आपण शिवलिंग रे जल अर्पण करंतु, शुभफल पाइबे। बिछाराशि, आपणक राशि द्वितीय भाव रे चंद्रदेव को गोचर आपणक वाणी रे मधुरतार संचार करिब। आपणक सामाजिक क्षेत्र रो विस्तार हेब। कार्य क्षेत्र रे सहकर्मी आपणक कार्यशैली रे प्रभावित हेबे एवं अधिकारीक समर्थन प्राप्ति हेब। व्यवसाय रे करा जाइथवा परिवर्तन लाभर स्थिति को विस्तार करिब। विद्यार्थी छात्र छात्री मानंक स्मरण शक्तिर विकाश हेब, किंतु कोनोसी संपर्कीय बा परिचित व्यक्तिक संबंधित कोनोसी अप्रिय समाचार मिलिबार संभावना रहिचि। जीवन साथीक सहित उत्तम समय व्यतीत करिबे एवं परिवार रे प्रेम तथा उत्साहर वातावरण रहिब। आपणक सौभाग्य रे वृद्धि हेब। पिताक सहयोग तथा मार्गदर्शन रु आर्थिक उन्नति करिबे, किंतु प्रेम जीवन रे किछि मनमालिन्यर संभावना रहिचि। पत्रकारिता तथा लेखन आदि क्षेत्र रे आपण सफलता तथा लाभ प्राप्त करिबे एवं आपणक संपत्ति रे मध्य वृद्धि हेबार जोग रहिचि, किंतु अनावश्यक खर्च रे नियंत्रण बजाय रखंतु। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिब, किंतु अधिक वयस्क व्यक्तिक स्वास्थ्य अवस्थार ध्यान रखंतु। आज आपण शिवलिंग रे बेलपत्र अर्पण करंतु, शुभफल पाइबे। धनुराशि, आपणक राशि स्थान रे चंद्रदेव को गोचर आपणक व्यक्ति त्वरे आकर्षण बा आपणक आत्मविश्वास रे वृद्धि करिब। सामाजिक तथा रोजगार क्षेत्र रे आपणक नेतृत्व क्षमता सहयोगीक प्रभावित करिब। व्यवसाय क्षेत्र रे आपणक द्वारा करा जाइथिबा परिवर्तन सकारात्मक परिणाम प्रदान करिब। छात्र छात्री मानंकु आशातीत क्षेत्र रे उच्च शिक्षार मार्ग प्रशस्त हेब एवं पिताक परामर्श सहायक सब्यस्त हेब। जीवन साथीक पक्षरु मान सम्मान प्राप्त करिबे। अजाईक पक्षरु लाभर संभावना रहिचि एवं विदेशरु मध्य सुखद समाचार प्राप्ति हेब। विवाह योग्य व्यक्तिंकु किछि उत्तम प्रस्ताव मिलिबार संभावना रहिचि तथा प्रेम जीवन रे मधुरता लागि रहिब। संपादक रिपोर्टर तथा अध्यापक कार्य करुथवा व्यक्ति राजकीय पक्षरु लाभवान हेबे एवं कोनोसी नुआ सरकारी अनुबंध प्राप्ति हेबार मध्य संभावना रहिचि। आर्थिक पक्ष मजबूत हेबाकु लागिब। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिचि, किंतु आपण दिनचर्या को व्यवस्थित रखंतु। आज आपण भगवान गणेशंकु दुब अर्पण करंतु, शुभफल पाइबे। मकर राशि, आपणक राशि स्थानरु द्वादश भावरे चंद्रदेव को गोचर व्यवसाय रे
किछि अनावश्यक व्यवधान उत्पन्न करिब। समस्त प्रकार अनैतिक आचरण तथा गतिविधिरु आपण दूरे रहन्तु। अधिकारी पक्षरु मनमालिन्य ओ वादविवादर संभावना रहिछि। रोजगार क्षेत्ररे मध्य परिवर्तन पई समय शुभ नुहे। विद्यार्थी छात्र छात्री मानंकु निज लक्ष्य प्राप्त करिबारे अधिक परिश्रम करिबाकु पड़िब। धैर्य तथा एकाग्रता सहित निज पारिवारिक कर्तव्यर निर्वाहन करिबे एवं पारिवारिक खर्चरे वृद्धि आपणंकु मानसिक चिंतित करिब। आपण निज भविष्यत तथा पारिवारिक संपर्क को नै सामान्य चिंतित रहिबे। सेथिपाई बानीरे नियंत्रण बजाय रखंतु। प्रेम संपर्क रे मध्य किछि समस्या उत्पन्न होई पारे। आपणंक व्यापारिक खर्चरे वृद्धि घटिब। आर्थिक स्थिति असंतुलित होई पारे। किछि छोटिया ऋण भार आपणंकु व्यथित करिब। सेथिपाई आयर नूतन स्रोतरे ध्यान केन्द्रित करिबार आवश्यकता रहिछि। तथा स्वास्थ्य प्रति आपणंकु सावधान रहिबा उचित। आजि आपण बजरंग बाण पाठ करंतु शुभफल पाइबे। कुंभ राशि आजि आपणंक एकादश भावरी चंद्रदेवंकु गोचर आपणंक लाभर स्थितिरे वृद्धि करिब। आपणंक द्वारा पूर्वरु करा जाइथिबा कार्यरे मान सम्मान ओ पद प्रतिष्ठार वृद्धि हेब। किछि अनुभवी व्यक्तिंक मार्गदर्शनरु व्यवसायर स्थिति लाभप्रद हेब एवं नूतन कौशलर प्रयोगरु परिस्थितिक अनुकूलन प्राप्ति हेब। छात्र छात्रींक पई उन्नतिर मार्ग प्रशस्त हेब। पारिवारिक जीवनरे किछि शुभ समाचार मिलिबारु मनरे प्रसन्नतार भाव रहिब। बड़ भाईंक पूर्ण सहयोग प्राप्ति हेब। तथा वैवाहिक दाम्पत्य जीवन सुखमय हेब। प्रेम सम्बन्धरे मध्य तिथि उत्तम अनुकूल रहिछि। प्रबंधन अथवा संपादनरे जड़ित व्यक्ति अप्रत्याशित लाभ अर्जन करिबे। तथा आर्थिक पक्ष मजबूत हेबाकु लागिब। पैतृक व्यवसाय सम्बन्धित व्यक्तिंकु विशेष लाभ मिलिब। आपण ऊर्जावान तथा कर्मठ रहिबे एवं लंबा समयरु देखा दउथुवा स्वास्थ्य समस्यारु मुक्ति मिलिब। आजि आपण ओं हं हनुमते नमः मंत्रर जप करंतु शुभफल पाइबे। मीन राशि आपणंक दशम भावरे चंद्रदेवंक गोचर आपणंकु किछि उत्तम रोजगार सम्बन्धित अवसर प्रदान करिब। आपणंक द्वारा कार्यक्षेत्र तथा कार्यप्रणाली रे करा जाउथुवा परिवर्तन आपणंक पद ओ प्रतिष्ठा रे वृद्धि करिब। नुआ व्यवसायर प्रारंभ पई समय उत्तम रहिछि एवं व्यवसाय रे दायित्व प्राप्ति हेब। आपणंक संगठन तथा नेतृत्व करिबार अद्भुत शक्तिर विकास हेब। विद्यार्थी निज भविष्यतर आवश्यकता अनुसारे निज व्यवसाय तथा ताहार अनुरूप आवश्यक कौशलर चयन करिबे। पिताक सम्बन्धरे सुधार हेब। जीवन साथीक सहित किछि गृहपकरण क्रय करिबारे आपण व्यस्त रहिबे एवं परिवाररे सुखद वातावरण लागि रहिब। संतान आपणंक मार्गदर्शनर अनुसरण करिबे एवं बड़ भाईंक मार्गदर्शन आपणंक कार्यक्षेत्ररे लाभकारी सिद्ध हेब। प्रेम जीवनरे अधिक उपेक्षा मतभेदर कारण होइपारे। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हेबाकु लागिब एवं आयर नुआ नुआ स्रोतर निर्माण हेब। स्वास्थ्यावस्था उत्तम अनुकूल रहिछि किंतु अनावश्यक यात्रारु आपणंकु दूरे रहिबा उचित। आजि आपण रुद्राष्टक पाठ करंतु शुभफल पाइबे। तो बंधुगण यहा थिला आजिर द्वादश राशिर राशिफल विषय रे। जदि भिडियोटि आपणमानकु भल लागिथाय लाइक शेयर ओ कमेंट करि जणंतु एवं एहिपरि नीति दिननिय राशिफल विषय रे जानिबा पई आम चैनल कु सब्सक्राइब करंतु ओ पाखरे थिबा घंटी बटन कु दबे ऑल रे सिलेक्ट करंतु। जय जगन्नाथ।